हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू माय चैनल। अभी हम देखते हैं कि क्या सेंटीमेंट बन रहा है, किस तरह से हमें ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को फॉलो करना है। जैसा कि आप लोग देख रहे थे, हमने मॉर्निंग में एनालिसिस किया था, उसके हिसाब से मार्केट ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। खासकर अभी जो सेकेंड हाफ में ट्रेडिंग हुई है वो अल्टीमेट ट्रेडिंग थी, अभी हम उसको भी देखते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना मत भूलिए। साथ में टेलीग्राम चैनल का लिंक फ्रेंड्स आपको मिल जाता है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, यहाँ से आप मुझसे जुड़ सकते हैं और इसमें आपको काफ़ी कुछ चीज़ें मिलती रहती। जैसे मैंने अभी यहाँ पे पोस्ट किया था आपके लिए कि मार्केट में एक ही कैंडल ने सबको कैप्चर कर रखा था, उसके बाद में अब मैंने आपको बोला था बेट एंड वॉच करना है। और फिर फर्दर उसके बाद देखते हैं 75 को ब्रेक करती है, सीधा एक ही कैंडल 1000 पॉइंट से ज़्यादा का मूव बनाती है। तो ऐसे मूव मिलते रहते हैं, बस इसके लिए हमें थोड़ा बहुत रिस्क लेना होता है। अब फर्दर एक ही सपोर्ट जोन पर आके ट्रेडिंग कर रहा है। अब यहाँ पर देखते हैं कि अब किस तरह से हमारी स्ट्रेटजी बनी थी। मॉर्निंग की अगर एनालिसिस करें, अगर आपने वीडियो देखी होगी तो ये एक सपोर्ट का काम कर रहा था। उसके बाद मार्केट गैप अप ओपनिंग होता है थोड़ा बहुत, और उसको धीरे धीरे करके जो हमारा फर्स्ट टारगेट रहता है 75,329 का, उसके बाद सेकेंड टारगेट है 75,600 के लगभग, दोनों टारगेट ये जाके ऊपर हिट करता है। फिर धीरे धीरे करके यहाँ पे प्राइस एक्शन बनाता है, और आप देखेंगे एक 1 आवर 2 आवर 2 घंटे कैंडल, इसे 5 और 6 की कैंडल ने इसी क्लोजिंग किया। उसके बाद में 6 बजे की कैंडल ने जो ये फॉल दिखाया डाउन साइड के लिए, ज़बरदस्त मूव था। अभी दोबारा इसको रोका किसने? सपोर्ट ने रोका, जो मैंने ऑलरेडी आपको यहाँ पे ड्रा कर रखा था। तो इस तरह की चीज़ें सपोर्ट रेजिस्टेंस बहुत अच्छे से वर्क करता है। बस आपका काम क्या होता है, इसको बिलीव करना होता है और इसमें आपको धीरे धीरे करके ट्रेडिंग स्ट्रेटजी फॉलो करना। अब इतना फॉल होने के बाद हम तुरंत यहाँ बाइंग की अपॉर्चुनिटी नहीं देखेंगे। अगर हमारा इतना प्रॉफिट हो गया, थोड़ा बहुत हम यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेंगे और अपने आप को ट्रेड से आउट करके बेट एंड वॉच करते गए कि नेक्स्ट क्या यहाँ पे सेंटीमेंट बन रहा है। क्योंकि जितना ये ज़्यादा डाउन साइड आया है, हो सकता है मार्केट उतना ही ऊपर भी निकलने की कोशिश करे। 75,000 या फिर 74,800 को रिस्पेक्ट करता हुआ दोबारा से ये नीचे आने की कोशिश करे। ये दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्योंकि हम सिंपल एक पॉसिबिलिटीज पर काम नहीं करते, क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी का गेम होता है। अगर आपको विनिंग रेशियो यहाँ पे 70% भी है तो आप बहुत अच्छे ट्रेडर हैं, बहुत अच्छी स्ट्रेटजी आपकी वर्क करती है। तो आपको यहाँ पे अपने आप पे बिलीव करना है, और बिलीव करने के साथ में ट्रेडिंग की जो हमारी एनालिसिस है, यहाँ देखेंगे अब 74,800 का लेवल इसके लिए फर्स्ट रेजिस्टेंस का काम करने वाला है। अगर इसके ऊपर मार्केट निकलता है तो इसके लिए सेकेंड रेजिस्टेंस रहेगा 75,000, जो कि स्ट्रांग है। उसके बाद में ऊपर फर्दर दोबारा अपने उसी जोन में जाने की कोशिश करेगा। लेकिन इतना फॉल होने के बाद थोड़ा बहुत मार्केट को रोकना चाहिए। अब इसके बाद हम देख लेते हैं फ्रेंड्स 4 आवर सेटअप में, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि लोअर लो का फॉर्मेशन चलता आ रहा है, कैंडल ने बहुत अच्छी डाउन मूव दिखाई है, और डाउन मूव दिखाने के साथ में अभी इसने जो लो का फॉर्मेशन था लगभग 73,000 इससे भी नीचे आके अब इसके लिए नेक्स्ट अगर नीचे निकलता 74,000 का लेवल इसके लिए सपोर्ट का काम करने वाला है, और ऊपर के लिए सारे लेवल्स इसके लिए रेजिस्टेंस का काम करने वाले हैं। धीरे धीरे करके इसको ऊपर जा रहा तो काफ़ी टाइम लगाना चाहिए। इनके अगर ये दोबारा से 75,600 के आसपास नहीं जाता है, या 75,400 के अराउंड में नहीं जाता मार्केट, तो आपके लिए थोड़ा सा नेगेटिव सेंटिमेंट्स ज़्यादा अच्छे बनेंगे, और वहाँ पर हमें जो बाइंग की अपॉर्चुनिटी हो सेल साइड में बहुत अच्छी बनने वाली। 75 थोड़ा स्ट्रॉन्ग है, उसके बाद में 75,400 का लेवल यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है। अगर 75,400 के ऊपर दोबारा क्लोज करने की कोशिश करता है तो फिर यहाँ पे वीकनेस ना होकर थोड़ा पॉजिटिवनेस हो जाएगी। अब डेली टाइम फ्रेम में अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं तो यहाँ डेली में भी आपको प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेडिंग करते हैं। जैसा भी आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, आपको यहाँ पे लोअर लो का फॉर्मेशन और कंटिन्यू बनता हुआ आ रहा है। जैसे स्टार्टिंग में ये हायर हाई कर रहा था 13 मार्च से लेकर ऊपर तक, अब अप्रैल में क्या कर रहा है, ये लोअर लो का फॉर्मेशन कर रहा है। इस तरह से घूमता हुआ टहलता नीचे जा रहा है। जो हमारी एनालिसिस थी, हो सकता है मार्केट आज नहीं 2 दिन की भी ट्रेडिंग और बची हुई है रेंज, तो इसको डाउन साइड आना चाहिए। अब कितना आता है ये मार्केट पर डिपेंड करता है। बस हम क्या है, ट्रेडर है, हमें ट्रेड को आइडेंटिफाई करना है कि ट्रेंड क्या है मार्केट का। मार्केट का ट्रेंड नेगेटिव है, और नेगेटिव ट्रेंड में हमें अपने आप को, अपने अकाउंट को पॉजिटिव साइड में लेके जाना है। तो फ्रेंड्स, ये हमारी आज की एनालिसिस है। अब यहाँ देखिए, वेट करिए, वॉच करिए, मार्केट जैसा सेंटीमेंट बनाएगा उसका हमें ट्रेडिंग करना है। अब यहाँ पे देखेंगे धीरे धीरे करके ऊपर निकल रहा है, तो रिस्की है अगर आप थोड़ा बहुत बाइंग की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पे वेट एंड वॉच करिए। काफ़ी अच्छा हमारा प्रॉफिट हो चुका है। थैंक यू फ्रेंड्स।